यारियां कैसी मतलबी थी तेरी यारियां। सो कैसे सर, स्वागत है आपका अमृतसर यार के में। नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे रेफरल के बारे में। तो मैं आपको ए से जेड पूरा समझा दूंगा और मैं बताऊंगा कि रेफरल समझाने का मेरा मेन मुद्दा क्या है, ठीक है जी। पहले मैं बताता हूँ रेफरल होता क्या है। जैसे मान लो कि मैं कैब जेमिनी में काम करता हूँ और मेरा एक दोस्त है जो कैब जेमिनी में आना चाहता है, तो हमें क्या होता है, मैं या फिर और कोई भी आईटी कंपनी में हमें काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी हमें ऑप्शंस आती हैं कि इसके अभी एंगुलर जेएस की पोस्ट निकली है एंड कभी रिएक्ट जेएस की पोस्ट निकली है, कभी जावा की निकली है, कभी मेन फ्रेम की निकली है, कभी पीएचपी डेवलपर की निकली है, तो इन सब की पोस्ट निकलती हैं, ठीक है जी। और हम सबको आई गेस ऑल ओवर इंडिया एटलीस्ट कैब इसकी जिन चीज़ों की मेल्स आती हैं हमें, एंड आगे लिखा होता है कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, ये सिर्फ तीन बेसिक डिटेल्स होती हैं, किस लैंग्वेज में, ठीक है जी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और किस लोकेशन में। अब इस बात को बताने का मेरा मुद्दा ये था कि जो मेरे फ्रेशर भाई वो समझते हैं कि शायद मैं उनको अगर रेफर कर दूंगा तो उनको जॉब दिला सकता हूँ, तो बात यह है कि हम फ्रेशर्स को रेफर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमेशा एक्सपीरियंस्ड को ही रेफर किया जाता है। फ्रेशर्स की जॉइनिंग होती है जो उन्हें ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या बाहर एप्टीट्यूड टेस्ट दे के दी जाती है, जबकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है किसी भी एक्सपीरियंस्ड जॉब के लिए एप्टीट्यूड का टेस्ट तो नहीं होता, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। तो रेफरल जो है दैट विल नॉट वर्क फॉर फ्रेशर्स, ओके। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ही आप मुझे मेल करो कि मुझे चाहिए जॉब एंड मैं आपको रेफर कर दूँ। अब मतलब मैं बता लूँगा कि रेफरेंस का ये जो प्रोसेस है ये चलता कैसे है। अब जैसे मान लो कि उधर पोस्ट लिखी आ गई कि स्किल, आपने मुझे भेजा कि भाई मैं एंगुलर का हूँ, 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो मैंने मेल में देखा कि हाँ यार कि 2 साल के एक्सपीरियंस वाले की तो ज़रूरत है, तो मैं क्या कहूँगा भाई मुझे अपना रिज्यूमे भेज दे, तो मैं उनके पोर्टल पर जाके आपका रिज्यूमे अपलोड कर दूंगा। ऐसे करते ही मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग रिज्यूमे अपलोड करेंगे, तो उस पोस्ट के लिए जिस भी बंदे के थ्रू वो रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा उस बंदे को एक सर्टन अमाउंट दी जाती है जो डिपेंड करती है, पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है। जितनी हायर पोस्ट के लिए आप बंदा ढूंढ के दोगे इनडायरेक्टली उतनी हाई अमाउंट होती है, पर ये अमाउंट जनरली हज़ारों में होती है। मैंने अब तक जितनी भी सुनी है लाखों में नहीं सुनी, मैक्सिमम शायद 1 लाख होती है वो बने इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, वो भी 10 से 14 साल की एक्सपीरियंस वाली है, 16 से 18 साल की एक्सपीरियंस के लिए थी। तो ये है सारा प्रोसेस रेफरेंस का। तो मैं दूंगा, अगर वो सिलेक्ट होता है मेरे डालने से रिज्यूमे वो सिलेक्ट नहीं हो जाएगा, उसके प्रॉपर इंटरव्यूज होंगे, और अगर वो होता है तो ही मुझे बेनिफिट होगा उसे रेफर करने का, ठीक है। उसे उसे इस चीज़ का बेनिफिट हो गया कि उसको जॉब मिल गई, पर मुझे इस चीज़ का बेनिफिट होगा कि मुझे वो 20-50-60 हज़ार वो मुझे मिलेंगे। अगर मेरा बंदा सिलेक्ट नहीं होता जिसको मैंने रेफर किया है, देन आई विल नॉट गेट द अमाउंट, मुझे सिर्फ उसका रिज्यूमे अपलोड करने से नहीं मिलेगी जॉब कह रहा हूँ पैसे। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया हो, और अगर कंसेप्ट पसंद आ गया या समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड जल्द ही कैप्शंस का काम शुरू कर दिया हमने, चिंता मत करो जल्द ही कैप्शंस भी आ जाएंगे, एंड शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। नमस्ते।